This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की 23 जुलाई 2022 की शाम की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। देखेंगे खबरें विस्तार से, उसके पहले आइए देखते हैं फटाफट से आज की हेडलाइंस। BRAOU की एडमिशन शुरू, अंतर्राष्ट्रीय गोंड भाषा महोत्सव, स्टेशनरी से हटाई जाए GST, कहा SFI ने, गिरी विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कागज नगर के त्रिशूल पहाड़ पर स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज के अधिकारी दत्तात्रेय जी ने ये सूचना दी है कि डिस्टेंस माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी यानी BROU ने अपने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एडमिशन की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2022। एडमिशन के लिए दो प्रक्रिया जारी की गई है। जिन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली है उन्हें अपने इंटर की मार्कशीट, दो पासपोर्ट फोटो और इन सभी डॉक्यूमेंट के दो सेट उसके पास जमा करवाने पड़ेंगे। जिन्होंने 2020 या उससे पहले अपनी दसवीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और इंटर नहीं पढ़ पाए उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें पास होने पर उन्हें डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा। डिग्री का कोर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स यानी CBCS सेमेस्टर के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। उत्तरी तेलंगाना और खास तौर पर कोमरम भीम जिले में आदिवासी लोग गोंडी और कोया भाषा बोलते हैं। हर साल 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय गोंड भाषा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कल आसिफाबाद के आदिवासी भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कई लोगों ने गोंड भाषा में कविताएं, गाने और कहानियां प्रस्तुत की। सभी लोगों ने इस प्राचीन भाषा को संवर्धित करके इससे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले से लेकर झारखंड के सयाल परगना तक और उत्तर में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से लेकर दक्षिण में तेलंगाना के खम्मम जिले तक पहले गोंडवान राज्य हुआ करता था जिसमें गोंड भाषा प्रमुख तौर पर प्रचलित थी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने कई सरकारी रोजमर्रा की चीजों पर GST लगाई है उसको ध्यान में रखते हुए वामपंथी छात्र संगठन यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी है कि छात्रों की सुविधा के लिए कॉपी किताब स्केल और पेंसिल जैसे स्टेशनरी के सामान पर और 5 पुस्तकों से GST हटाने की मांग की है। इससे छात्रों पर महंगाई का बोझ घटेगा। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि नए वीडियोस आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज सुबह हुई ITDA की एक बैठक में अधिकारी वरुण रेड्डी जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कोमरम भीम जिले में गिरी विकास नामक योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत ITDA के द्वारा नया पंचायत भवन, सिंचाई की सुविधा के लिए नया पाइपलाइन, बोरवेल, सोलर पंप सेट और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए नए विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता का आयोजन जिले के कलेक्टर कार्यालय में किया गया। इस बैठक में जिले की एडिशनल कलेक्टर चाहत वाजपेयी जी समेत जिले के हर विभाग के अफसर मौजूद रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के रहवासियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अब कल नए वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।